हेलो फ्रेंड्स, साउथ डिज़ाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 फीट बाई 17 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 240 स्क्वायर फीट में होगा। 25 गज में ये प्लान बना हुआ है। साउथ डिज़ाइन से आप 225 250 350 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके वेंटिलेशन डायमेंशन, इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हाउस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 14 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 17 फीट की होगी। इसी साइड अपना प्लांटेशन वगैरह कर पाएंगे। साइड इसका मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने टू साइड आयरन का डोर प्रोवाइड किया। काफ़ी बड़ा आपको गेट मिलेगा, 5 फीट का हमने गेट बनाया है, जो कि वास्तु अनुसार होगा। ईस्ट फेसिंग प्लान बना हुआ है। इसी गेट से एंट्री होती काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। उस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड आपके बाइक्स वगैरह इजली पार कर पाएंगे। इस साइड अपना सेपरेट टैंक है, वाटर टैंक भी आप इजली बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। इस साइड आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 10.5 फीट की होगी। जो कि फर्स्ट फ्लोर को चाहें तो आप रेंट आउट भी कर पाएंगे, जो कि हमने बाहर से सेपरेट स्टेयर्स प्रोवाइड किया है। फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है। इसी के बराबर में देखें तो हमें किचन का गेट मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इसी गेट से एंट्री होती काफी बड़ा आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब्स, चूल्हे और कैबिनेट्स वगैरह इजिली एडजस्ट कर पाएंगे। इसमें अपने सामान वगैरह स्टोर कर पाएंगे, सिंक्स वगैरह, जिसमें इजिली अपने बर्तन वगैरह वॉश कर पाएंगे। साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी के द्वारा बाहर निकलती रहेगी। अब ठीक इसी के बराबर में आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। इसमें हमने 3.5 फीट का गेट लगाया है, जो कि काफ़ी बड़ा गेट होगा। इसी गेट से एंट्री होती काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 10.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके सोफे, टेबल्स वगैरह इजिली एडजस्ट कर पाएंगे, अपने गेस्ट वगैरह को भी साइड बिठा पाएंगे, अपना खाना वगैरह खा पाएंगे। इस साइड से देखें तो हमने टीवी वगैरह लगाया हुआ है, जिसमें इजिली आप टीवी वगैरह देख पाएंगे। साइड से डबल बेड्स वगैरह लगाया है, जिसमें इजिली आप स्लीपिंग वगैरह कर पाएंगे। काफ़ी बड़ा आपको डबल बेड्स मिलेगा, हमने इसी साइड प्रोवाइड किया है। ठीक इसी से अटैच एक आपको टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इसी गेट से एंट्री होती काफ़ी बड़ा आपको टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके टॉयलेट शीट, शावर्स और आपके वाश बेसिन वगैरह इजिली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इजिली आप अपने ड्रेसअप वगैरह कर पाएंगे। साइड से हमने बाथटब वगैरह भी लगाया, जिसमें फ्लोर पर हमने टाइल्स का यूज़ किया, जिसमें आप चाहें तो सीलन पपड़ी से रिलेटेड कोई एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं आने वाला। 7 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे। इस साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 2.5 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।